हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एक और नई रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इधर मैंने बनाई है आलू टिक्की चाट। तो मटर की चाट बनाई है और आलू की टिक्कियाँ बनाई है। ये आलू ले लिए हैं मैंने, आधा एक केजी जो लेने हैं बॉयल करने रख देंगे एक सीटी आने तक। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने हैं आलू, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं हमको, ऐसे हो जाए मैश हो जाए, ठीक है। इस तरह से बॉयल करने हैं, बहुत ज़्यादा आलू बॉईल हो जाएगा तो गीला हो जाता है। इधर हमने मटर ले लिए तो ओवरनाइट इसको सोक कर दिया था। इसको दो सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। इधर हम कुकर में इसको डाल देंगे। अच्छे से धुल लीजिएगा मटर को। ये देखिए, पानी हमको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पानी उतना ही लेना है मटर के एक इंच ऊपर, मतलब मटर की क्वांटिटी जितनी है उसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम, इसको यूज़ करेंगे इसी में। तो इतना ही लीजिएगा जो मटर में यूज़ हो जाए। हल्दी नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप थोड़ा सा घी और तेल भी डाल सकते हैं इसमें, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए, पानी ऊपर ना आए हमारा। इधर आलू हमने पील कर लिए थे, छिलका उतारने के बाद इसको दोस्तों इसको क्या करने है? अच्छे से महीन महीन पोटैटो मैशर से आप मैश कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं। तो मैंने हाथों से ही मैश कर दिया था। अच्छे से खूब मल मल के मैश कर देना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से उसको खूब महीन, गांठ ना रहे हमारी जो गांठें होती हैं आलू की, वो ना रहे, रहने ना पाए। और नहीं तो क्या कीजिए आप, इसको कद्दूकस से या ग्रेटर से, जो बोला जाए तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छे से महीन हो जाता है तो उसमें गांठ नहीं रहती है। वैसे हाथ से भी अगर मैश करेंगे, ठीक है, ठंडा हो जाए आलू, गर्म आलू को नहीं मैश करना है, हल्का ठंडा हो जाए तब। ये देखिए, अच्छे से मैश हो गया, टिक्कियाँ हमारी बन रही हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, अभी हम लोगों को अरारूट या कॉर्नफ्लावर जो भी कहेंगे आप, तो दो चम्मच मिला लीजिएगा, नहीं है तो चावल का आटा भी आप ले सकते हैं। और चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर लेना चाहे तो एक चम्मच चावल का आटा क्रिस्पी बनाने के लिए, और कॉर्नफ्लावर दोनों ले सकते हैं, नहीं तो कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, देख लीजिएगा अपना। इधर हमने चुटकी भर ले लिया है लेमन कलर, हल्का सा थोड़ा सा कलर, आप हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने ना हल्दी डाला ना नमक डाला, कोई चीज़ नहीं डाली थी, खाली कॉर्नफ्लावर में ये टिक्कियाँ मैंने बस मिला ली थी। दो चम्मच ले लिया था, आप जितनी बाइंडिंग इसकी हो जाए बाइंडिंग के अकॉर्डिंग लीजिएगा, आलू हमारे बाइंड हो जाए। वैसे तो बाइंडिंग ऐसे ही हो जाती, नहीं जो होती, लेकिन फिर भी क्रिस्पी बनाने के लिए हमें आलू की टिक्की थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है, नहीं तो चावल का आटा अगर आप डालना चाहें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, उससे भी क्रिस्पी हो जाती है हमारी टिक्कियाँ। ये देखिए, अच्छे से आलू मैश हो गए, मिल गया है। इसमें हल्का सा तेल जो है हाथों में लगा के इसको अच्छे से और मिला लेंगे, और डो की तरह डो के फॉर्म में इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से आलू हमारे अच्छे से हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा डो, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आलू बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है दोस्तों, उतना ही बॉईल करना है कि आलू हमारा अच्छे से मैश हो जाए, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। ये देखिए कितना अच्छे से डो हो गया हमारा बनके तैयार। इधर हम टिक्कियाँ बना लेंगे, बड़ी छोटी कैसे भी आप बना सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। तो ये मैंने छोटी छोटी बनाई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई थी, जो फ्राई भी अच्छे से हो जाती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। ये देखिए, आप सादा ऐसे भी बना सकते हैं, और इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग कर सकते हैं, हल्का सा डस्ट कर लीजिएगा इसके ऊपर। ये देखिए, अभी तो मैंने ऐसे बनाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी, उससे भी टिक्कियाँ हमारी बहुत क्रिस्प बनेंगी, कुरकुरी बनेंगी, खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो आप हल्का सा लगा सकते हैं इसको, चाहे तो चावल का आटा भी ऊपर से हल्का सा कोट कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया था, मेरे पास चावल का आटा नहीं था दोस्तों, आपके पास अगर हो तो वो लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहे तो ना लगाएं, ऐसे ही बहुत अच्छी बनती हैं ये। ये देखिए, छोटे छोटे आकार में, पेड़े के आकार में हमने इसको अच्छे से लगा लेना है। सारी टिक्की हमारे बना के ऐसी तैयार कर लेना है।
आप बर्गर के लिए, बन के लिए टिक्कियाँ बना के तैयार कर सकते हैं, इसको फ्रिज में फ्रीज कर सकते हैं, इस तरह से बना के रख सकते हैं, आप दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं, 4-5 दिन में आप फ्रीज करके रख दें, कभी भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए आप इन टिक्कियों को फ्राई करें और आप सर्व करके दे सकते हैं उनको। तो इन्जॉय कीजिए, बनाइए इसी तरह से। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन की बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। ये देखिए टिक्कियाँ बन के तैयार हैं, सारी टिक्कियाँ ऐसे ही बना लेंगे, टाइम लगता है दोस्तों लेकिन वही है, बहुत अच्छा है, अच्छे से बन जाती हैं, बच्चों को भी बहुत यमी लगती हैं। बच्चे तो चटनी के साथ इस तरह से, अगर छोटे बच्चे घर में हो जो तीखा पसंद ना करते हो तो बच्चों को मीठी चटनी के साथ आप इसी तरह से इंजॉय करा सकते हैं, फ्राई करने के बाद बच्चों को दे सकते हैं। तो स्नैक्स में, टिफ़िन में बच्चों को जैसे भी आप रखना चाहें उसको वैसे टिफ़िन में भी रख सकते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं नहीं खाते हैं ना, तो उन लोगों को टिफ़िन में भी ऐसे दे सकते हैं आप फ्राई करके, बच्चे सॉस के साथ भी इंजॉय कर लेते हैं। ये देखिए मटर हमारी बॉयल हो गई है अच्छे से, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करनी है मटर, 2 सीटी आने तक हमने उतार ली थी, बस 2 सीटी लेनी है इसमें, जैसे ही 2 सीटी आए बंद कर लेनी है। और बिसेल हमें कुकर का हमने ढक्कन जब खोला है जब स्टीम निकल गई है, ठीक है, पहले नहीं खोलना है ताकि जो पानी होगा मॉइस्चर वो हमारा इसी मटर में रहे, मतलब सॉफ्ट मटर रहे हमारी, टाइट कच्ची भी ना रहे और बहुत ज़्यादा मैशी भी ना हो, इस तरह से बॉईल कीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। इधर हमने फ्राई पैन ले लिया है, पैन लेने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है सरसों का तेल, आप रिफाइंड ले सकते हैं, इधर डाला है थोड़ा सा जीरा, जीरा जैसे ही क्रैकल होगा इसमें डाल देंगे हरी मिर्च या हींग, थोड़ा सा जीरा और डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हींग, हींग तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो हींग का टेस्ट में बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्च मैंने कट करके डाल दी है, 1 से 2 हरी मिर्च कट स्लिट कर दी थी बीच में, स्लिट करके महीन महीन कट कर दी है और उसमें डाल दी है, ठीक है, इस तरह से डाल दीजिएगा। और इधर ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, अगर पेस्ट ना आपके पास हो तो आप लहसुन और अदरक को कूट के इसमें डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। और इधर मैंने ले लिया था 1 टमाटर जो है, इसका छिलका पील कर लिया था, छिलका छीलने के बाद इसको मैंने मिक्सी के जार में चला लिया था अच्छे से, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्च हल्की सी डाल दी थी मैंने ताकि कलर अच्छा आए, बहुत तीखा नहीं करना है, हरी मिर्च हमने डाली है देख के दोस्तों। और जो मटर चाट होती है ना, ये जो मटर होती है हमारी, इसको बहुत तीखा नहीं बनाना है क्योंकि ऊपर से मसाले हम डालेंगे, दही चटनी चाट और सब पड़ती है ना, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। इधर हल्की सी हमने मिर्चा डाली है, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, हल्दी, जो आप टेस्ट के अनुसार खाना चाहें, आपको जो मसाले पसंद हो वो इसमें डाल दीजिएगा। प्याज दोस्तों नहीं पड़ता है इसमें, खाली टमाटर का पेस्ट बनता है, लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का, ठीक है। तो ये देखिए मटर हमने डाल दी है, मटर देख सकते हैं दोस्तों कितनी बॉईल की है हमने, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करनी है, अगर बहुत ज़्यादा मैशी कर देंगे ना तो चाट हमारी बिल्कुल, ये भी ठंडी होने के बाद एकदम गाढ़ी हो जाती है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा पतला मतलब रखिएगा इसको ताकि चाट को लगाने में दिक्कत ना हो, बाद में ये सब पानी मॉइस्चर उसका उड़ जाता है पूरा, मतलब मटर ही सोख लेती है, गाढ़ी हो जाती है रखे रखे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको मिला लेंगे अच्छे से, ठीक है, इसको ढंग से मिलाने के बाद हम ये देखिए कलर कितना अच्छा है हमारे मटर का, आप मटर कुलचा जो खाते हैं ना हम लोग वो भी बना सकते हैं, मटर की रेसिपी यही रहेगी सेम, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट में, आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती हो, मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में, मुझे बताइएगा तो मैं आप लोगों के लिए मटर कुलचा भी लेके आऊँगी,
ये देखिए मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है इसमें, इसको मिला देंगे अच्छे से। मटर हमारी बनके तैयार है दोस्तों। इसमें हम धनिया खूब सारा डालेंगे, इधर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा, धनिया खूब सारा डाल दीजिएगा, अच्छा लगता खाने में। इधर हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक हल्का सा, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आए और यम्मी बन जाए हमारी मटर, ठीक है। और इधर हमने मिर्ची हल्की सी कूट के रख ली थी, दो मिर्ची फ्राई कर ली थी, दो से चार मिर्ची फ्राई कर ली थी हल्की सी, ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको इमाम दस्ते में कूट लिया था खूब महीन महीन, ठीक है, ऐसे चिली फ्लेक्स होते हैं ना उस तरह से बना लिया था इसको। और इसके ऊपर हमने अच्छे से गार्निश कर दिया है, मटर मटर के ऊपर धनिया और मिर्चा और काला नमक डाल के गर्म मसाला डाल के अच्छे से इसको मिला के रख देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ दूसरे इंग्रेडिएंट हमने तैयार कर लिए हैं जो चाट के लिए हमें चाहिए। मीठी चटनी है, हरी धनिया की चटनी है, इधर हमने मीठा दही भी बना लिया है, चीनी डाल के फेंट लिया है इसको, मिक्सी में नहीं चलाना है दोस्तों, बस ऐसे ही हाथ से फेंट लेना है। और ये मसाले ले लिए हैं, भुना जीरा, लाल मिर्च है, काला नमक है। लाल मिर्च तीखी वाली नहीं है, कसूरी मिर्च, कश्मीर मिर्च, कश्मीरी मिर्च जो होती है वो है कलर वाली दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा तीखा नहीं होना चाहिए मसाला ज़्यादा, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं। हरी मिर्च अगर आप डालें तो उस हिसाब से डालिएगा, आपको जितना पसंद है उतना, ठीक है। इधर हमने मटर देख ली, तैयार कर ली थी, और ये हमारा तवा हो गया तैयार टिक्की सेकने के लिए। तो मटर आप देख लीजिएगा थोड़ी सी, थोड़ा पतला रखिएगा हल्का, मेरा थोड़ी गाढ़ी हो गई थी दोस्तों, क्योंकि वो रखे रखे ठंडी हो जाती है, तो मैंने कहा ना पानी सारा सोख लेती है, तो उस हिसाब से उतारिएगा। इधर तवा गर्म हो गया, मैंने ले लिया सरसों का तेल, इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा सरसों का तेल जो डाला है ना, तो ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गुनगुना हो, तब टिक्की छोड़िएगा सारी। ये देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने, तीन से चार टिक्कियाँ इसमें छोड़ दी हैं, जो कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था ना कोट करके, वही रख दी थी मैंने फ्रिज में, फ्रीज कर दिए थे थोड़ी देर के लिए, रख दिए थे फ्रिज में ऐसे ही, तो इससे क्या होता है टिक्की हमारी सेट हो जाती हैं, तो और अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, बन जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इनको समय दीजिएगा सेट होने का। ये देखिए अच्छे से हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, एक एक करके अलट पलट करके ऐसे सारी टिक्कियाँ हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखिएगा, हाई नहीं करनी है दोस्तों। जितनी धीरे धीरे हमारी टिक्कियाँ सीखेंगी उतनी ही क्रिस्प और यमी बनेंगी। सारी टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार है, इस तरह से हमने बना ली थी, और धीरे धीरे हम दो से चार चार पांच पांच करके सेक लेंगे। आप जैसे खाएं वैसे इसको सेकते जाएं, क्योंकि ठंडी नहीं अच्छी लगती, आलू की टिक्कियाँ गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं दोस्तों, करारी अच्छी लगती हैं। तो बच्चे जैसे इंजॉय करना चाहें वैसे आप चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, दही के साथ, जैसे खाएं वैसे खा सकते हैं। अगर प्याज भी इस पर डालिएगा तो बहुत यम्मी लगता है दोस्तों। अभी दिखाएंगे हम आपको किस तरह से लगाना है इसको। तो सिंपल तरीका है, आलू बस मैश करना है, अगर कलर नहीं डालना चाहते आप, स्किप करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कलर डालिए, हल्दी डाल सकते हैं हल्की सी, उससे भी कलर अच्छा आता है। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार है, कितनी बढ़िया सी सिक गई है ना, करारी क्रिस्प देखने से लग रही है ना कि बहुत करारी होंगी, तो जैसे खाने में भी बहुत यम्मी बनी थी है। और सबसे बड़ी बात है टिक्की का टेस्ट तो सादा आता है, लेकिन जो इसके ऊपर मसाले पड़ते, चटनी पड़ती है, दही पड़ता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, चटनी भी हमें इतनी हरी मिर्च और धनिया वाली चटनी भी यम बनानी है, जिस तरह से बनती है, हरी मिर्च धनिया लेनी है, उसमें जीरा और हींग लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा दही डाल के पीस लेना है, या नींबू डाल के पीस लेना है नींबू का रस। तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने नहीं डाले थे चटनी में, हरी धनिया की चटनी सिंपल ही बनाते हैं, लहसुन और अदरक ये सब नहीं डाला था, सिंपल सी बनानी है, उससे चटनी हमारी यमी बनती है। चाट के साथ यही वाली चटनी खाई जाती है, बाकी खाने में आप टमाटर भी और लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं खाने के साथ जो चटनी बनती है। बाकी जब चाट के साथ बनाते हैं तो धनिया, हरी मिर्च और हींग जीरा, बस भुना जीरा, इससे ज़्यादा नहीं,
और नींबू का रस है तो वो डालिए, नहीं तो दही एक चम्मच डाल के आप पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। आप स्टोर करके रख सकते हैं कांच के जार में, उसको फ्रिज में 5 से 7 दिन तक आपकी चटनी चल जाएगी। बच्चे इंजॉय करते हैं हरी धनिया की चटनी, तो इससे आप देखिए स्नैक्स, ये हल्का फुल्का स्नैक्स हमारा ये बन के तैयार है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत मन से खाते हैं। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी अच्छे से सिक्के क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार हैं, सारी निकाल लेंगे हम प्लेट में एक एक करके और सारी। ये देखिए इस तरह से सारी सेक लीजिएगा धीरे से, समय लगता है दोस्तों। और एक बात और मैंने बताई थी आपको, जो मैंने ये आलू खाली आलू से लगाई थी, कॉर्नफ्लावर का मैंने कोट नहीं किया था, ये टिक्कियाँ बाकी मैंने नॉन स्टिक वाले में सेकी हैं। तो देखिए ये भी टिक्कियाँ बहुत यम्मी बनी है और बहुत क्रिस्पी बनी है एकदम। अभी आपको तोड़ के दिखाएंगे दोस्तों, तब देखिएगा इसका फ्लेवर भी बिल्कुल मतलब हट के आता है। इस तरह से अगर सेकेंगे तो भी आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेगी। तो दोनों तरीके से सेक सकते हैं वैसे टिक्की, जो आपने देखा होगा टिक्की चाट जो लगाते हैं ठेले वाले, वो खाली क्या करते हैं लोहे का तवा ही उनके पास होता है उसमें लगाते हैं, बाकी हम घर में इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी डीप तेल में ऐसे हल्का सा तेल लेके ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, हल्का सा तेल लेके इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से करारी हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही पता लग रहा है कितनी करारी क्रिस्पी हैं टिक्कियाँ, अंदर से मॉइस्ट हैं ऊपर से क्रिस्पी हैं, एक अच्छी सी लेयर आ गई है ऊपर जो इतनी करारी होगी खाने में यम यम लगती है दोस्तों। तो देखिए छोटी छोटी टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी, आप जैसे मैंने 12 टिक्कियाँ बनी हैं आप इसमें 6 से 7 टिक्कियाँ भी बड़ी बड़ी बना सकते हैं, जैसे बर्गर बन वगैरह बनाने हो उसके लिए भी आप ये टिक्कियाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जैसा कि कहा कि आप स्टोर करके रख सकते हैं इनको फ्रीज करके, और जब मन करे तब आप सेकिए। ये देखिए मैंने तोड़ के दिखाई आपको, ये देखिए अंदर से सॉफ्ट है ऊपर से एकदम से लेयर इसकी कितनी क्रिस्प आई है दोस्तों। तो छोटी छोटी थी, आइए बच्चों के लिए लगाते हैं, बच्चे बहुत उतावले हो रहे हैं खाने के लिए, कह रहे हैं मम्मा जल्दी बनाइए। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, जितनी देखने में अच्छी थी उतनी खाने में यम थी दोस्तों। पहले मटर लगाएंगे थोड़ी सी, फिर हम आलू टिक्की लगाएंगे, छोटी छोटी टिक्कियाँ। मटर देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी गीली रहनी चाहिए थी, तो मतलब पतली होनी चाहिए थी, थोड़ा पानी इसने सोख लिया था, बहुत गाढ़ी हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी पतली उतारिएगा। ये देखिए इस पे डालेंगे दही, हम दही डालने के बाद डालेंगे इसमें, अच्छे से डालिएगा दोस्तों दही, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मीठा दही है तो अच्छा लगता है चाट में। इधर डालेंगे मीठी चटनी हम थोड़ी सी, तो मीठी चटनी की रेसिपी आप लोगों को चाहिए दोस्तों तो मैंने इससे पहले जो वीडियो है मैंने आप लोगों को अपलोड किए है आप लोग देख सकते हैं मेरी मेरी चैनल पर जाके, तो मैंने मीठी चटनी की वीडियो डाली हुई है। ठीक है, ये मैंने हरी चटनी डाली है, प्याज थोड़ा सा डाल दिया है, हरी मिर्च और धनिया डाल दी है, तो इस तरह से आप हल्की फुल्की भूख के लिए बच्चों को यम्मी यम्मी चाट बनाइए, खिलाइए, परिवार में सबको खिलाइए, सबको पसंद आएगी दोस्तों, कभी कभी ये अच्छा लगता है। तो इन्जॉय कीजिए, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, बनाने का तरीका कैसा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा। इधर थोड़ा सा दही और डाल दिया है, जैसे खाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं इसको, ये तो आपके हाथ में होता है दोस्तों। इधर मसाला हमने जो दिखाया था ना आपको, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, ठीक है, और काला नमक, इसको डाल देना है। इधर मैंने क्या किया, जो तवे में सेकी थी ना टिक्कियाँ वो भी लगा ली हैं दूसरे बाउल में। ये देखिए अच्छे से, आपके पास अगर जैसे कहते हैं ना चाट लगाते हैं तो उस तरह से आप बच्चों को लगा के दिखाइए, तो बच्चे बड़े इन्जॉय करते हैं और बहुत मन से खाते हैं। तो आप इस तरह से लगाइए, हरी चटनी घर पे पीसिए, मीठी चटनी बनाइए और घर पे बनाइए, बाहर का ना खिलाइए दोस्तों, इससे क्या है बच्चों को भी अच्छा मिलता रहेगा और बच्चे इन्जॉय भी करते हैं। बाहर का खाने से अच्छा घर का खाएँ, इस तरह से बनाइए दोस्तों, घर में सबको खिलाइए,
ये मैंने थोड़ा सा सेव डाल दिया बेसन का। आपके पास महीन वाला सेव हो, पतला वाला जो बोलते लैनोन वाला सेव सेव आता है ना, महीन वाला जो चाट में चलता है, वो मेरे पास था नहीं तो मैंने यही वाला डाला। फिर दही डाल देंगे थोड़ा सा, थोड़ा मसाला डालेंगे, थोड़ी चटनी डालेंगे, जो आपको डालना हो, जो पसंद हो वैसे आप डालिए, इंजॉय कीजिए, सबको खिलाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये लीजिए, आप ही टेस्ट कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।